गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ठीक है ना, आज अपन वापस करने जा रहे हैं एलजेब्रा, जो आपका वर्कशॉप ऑफ कैलकुलेशन का जो टॉपिक नंबर सेकंड है। ठीक है ना, एलजेब्रा आज अपन इसको वापस स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित को सरल कीजिए, है ना। तो देखिए आप इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हो, किस तरह से फॉलो कराएंगे आप। जैसे मैंने आपको बेसिक एलजेब्रा पढ़ाया था कल, है ना, अपन ने एलजेब्रा की परिभाषा पढ़ी थी कि किसे कहते हैं एलजेब्रा। तो एलजेब्रा जो होता है बीजगणित की, वहाँ एलजेब्रा जो है बीजगणित की वहाँ शाखा है जिसमें क्या होता है अज्ञात मान राशियों के मान को प्रतिपादित किया जाता है, उसका अपन एलजेब्रा बीजगणित कहते हैं। ठीक है ना, बीजगणित की खोज जो एलजेब्रा है, तो इसमें बीजगणित के जो नाम आया है, तो बीजगणित की खोज जो वैज्ञानिक ने, जो अपना गणितज्ञ जिन्होंने की थी, उनका नाम है क्या, ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने सन 628 ईसा पूर्व इसकी खोज की थी। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, हमने फार्मूला लिखा था अपने कल, प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन जो बड़ी संख्या होती है उसका साइन लगा दिया जाता है। ठीक है, आज अपन इसके क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए निम्नलिखित को सरल कीजिए, सवाल अपना पहला आया आपका क्वेश्चन 4x³y² / 2xy। तो आपको पता है कि भाग में हमेशा घाते क्या होती है, घटती है, तो देखते हैं कैसे घटेगी। इसको अपन जमाएंगे इस टाइप से, 4x³y² / 5 क्या लिखोगे, 6। क्यों, क्योंकि बीच में किसका निशान है, भागी का है, डिवाइड का है, तो अपन इसको क्या लिख लेते हैं, बटे में संख्या लिख लेते हैं। अब कैसे, आपको दो का पढ़ा इतनी बार पढ़ना है कि चार से आगे ना जाए, तो कितनी बार जाएगा, दो बार, क्लियर। फिर आपको देखना है कि यहाँ पे हमेशा चर राशि की घात कितनी होती है, एक, चर राशि की घात हमेशा एक होती है, और यहाँ पे तो आपको घात दे ही रखी है, और अचर राशि की घात हमेशा होती है जीरो। कैसे, थोड़ी देर के लिए मैंने लिखा यहाँ पे एक, तो एक कैसी राशि है, चल, मैंने थोड़ी देर के लिए लिखा यहाँ पे पाँच, पाँच कैसी राशि है, अचर। ठीक है, तो एक से की पावर हमेशा कितनी होती है, एक होती है, लेकिन अचर राशि की घात हमेशा क्या मानते हैं अपन, जीरो। तो पाँच की घात जीरो का मतलब होता है कि इसका फाइनली आंसर कितना आता है, एक आता है, और यहाँ पे जो इसका आंसर है वो एक की पावर एक है, तो इसका आंसर भी एक की पावर एक ही रहेगा। अपने को जरूरत पड़ती है तो अपन एक वहाँ पे लगा सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है इस टाइप से एक की पावर एक है, अब यहाँ पे एक की पावर तीन है, और यहाँ पे एक की पावर एक है, जब आपको पता है कि भाग में घाते क्या होती है, घटती है। ठीक है ना, जब सेम आधार हो तो क्या लिखोगे यहाँ पे आप, पाँच अपने पास लिखा एक की घात तीन, एक की घात एक, जब तीन में से एक घटाओगे तो एक की पावर कितनी होती है, दो। इसी प्रकार यहाँ पे वाई की घात दो है, यहाँ पे वाई की घात कितनी है, एक ही है, जब दो में से एक घटाओगे तो वाई की घात कितनी बचेगी, एक, तो आपका आंसर क्या है, 2x²y। क्लियर, अब देखिए आगे हम एक सवाल नंबर आपका ये भी है, इसमें भी सेम कंडीशन अप्लाई होगी, यहाँ पे 6x⁴, 5³। अब मान लिखोगे यहाँ पे क्या, 3x²y² ठीक है। अब आपको तीन का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है, 6 से आगे अंदर जाए तो 3 × 6, x⁴, x⁴, जब आपको पता है कि पावर समान हो, यहाँ पे x⁴ हो, यहाँ पे x⁴ कितनी है, 2 है, तो आपको पता है भाग में घाते क्या होती है, घटती है, आधार क्या है, समान है, तो x तो लिखेंगे, लेकिन 4 में कितने घटा देंगे, 2, तो यहाँ पे x⁴ कितनी बचेगी अपने पास, 2। इसी प्रकार सेम कंडीशन है, y³ है, y² है, जब 3 में से 1 घटाओगे तो कितने बचेंगे अपने पास, 3 में से 2 घटाओगे तो सिंपल क्या बचेगा, ओनली 5 बचेगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है आपका, देखो जल्दी इसको। के बाद अपन नेक्स्ट सवाल करेंगे इसी टॉपिक के। देखिए ठीक मैडम, ये बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन है अपने एलजेब्रा के। एग्जाम्पल के लिए आपको पता होना चाहिए घात किसे कहते हैं, ठीक है, घात किसे कहते हैं, तो घात अपन उसे कहते हैं जो किसी भी चर और अचर राशियों के ऊपर पावर लगा दी जाती है। कैसे, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, 5x², तो जो 5x² ये क्या है, इसका घातांक, मतलब इसी को क्या बोला जाता है, इसकी घात बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्स है, जो पाँच है, इसको क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, आधार, तो ये आपका आधार हो गया, ये घातांक है, घातांक को कोई क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये मत भूल जाना कि ये जो 5x² लिखा है, ऐसी क्वांटिटी हो गई, तो 5x² आपके पास हो गई चर राशि, ऐसी राशि हो गई है चर राशि। ठीक है, चलो अपन एक सवाल को बनते हैं सर।
लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ अक्षर बड़े बड़े लिख रहा हूँ इसे भी, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, वन अपान टू बी इक्वल टू वन बाई थ्री, ठीक है। वन अपान टू बी इक्वल टू वन बाई थ्री को सरल करना मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको इसका मान निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी मतलब बी का मान यहाँ भेजिए। तो कैसे करेंगे अपन यहाँ पे, तो आपको पता है कि इस प्रकार के सवाल को करने के लिए आप करते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करते हैं यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं हिंदी में तिर्यक गुणा, ठीक है ना। तिर्यक गुणा जब अपन करेंगे तो टू बी का जब वन में करोगे तो टू बी का कितना जाएगा टू बी, लेकिन वन का जब थ्री में करोगे तो कितना जाएगा थ्री, तो फाइनली कितना जाएगा थ्री बाई टू। क्यों, क्योंकि दो ऊपर दो नीचे नहीं जा सकता, जो कि हमेशा जब वैल्यू हिंदू में रहती है मल्टीप्लाई की वैल्यू हमेशा कहीं जाती है, अपान में जाती है, बैठे में जाती है, ठीक है ना। इसलिए इसका बी का कूलेंट फाइनली आंसर कितना हो जाएगा थ्री बाई टू। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना, सिंपली क्वेश्चन था इसलिए मैंने बता दिया आपको। अब आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, एलजेब्रा के जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, मैं आपको बताऊंगा आप आगे क्वेश्चन के निम्न समीकरणों को हल करना है। क्वेश्चन आएगा आपका निम्न समीकरणों को हल, तभी जब वीडियो देखें आप, ठीक है ना, तो अपने अपने हाथों में पेन ओढ़ने का बुक्स होनी चाहिए ताकि आप रिवीजन कर सको, ठीक है ना। वीडियो को देखने से ही आपका काम नहीं चलेगा, आप सभी को रफ कॉपी पेन लेके बैठना है और सारे वीडियो आपको देखना है, ठीक है ना। वर्कर्स ऑफ कैलकुलेशन साइंस हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी हो, चाहे इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, ठीक है ना, सभी के लेक्चर लग रहे हैं, सभी टॉपिक डालोगे आप वर्कर्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस एलजेब्रा, तो आपको यूट्यूब पे खुल के एलजेब्रा जाएगा, ठीक है ना। और बाकी आप कमेंट सेक्शन में इसको जरूर एंसर को अपने उसमें करेगा, वो क्वेश्चन वगैरह आपको अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट्स में पूछा करो, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन लिखा, 2x plus 3y equal to 8। इसके बाद अपने को दिया है यहाँ पे 3x plus 2y equal to 7, 3x plus 2y equal to 7, ठीक है। अब आपसे पूछा एलजेब्रा में क्वेश्चन आया और आपसे पूछा समीकरणों को हल कीजिए, और समीकरणों को जब अपन हल करेंगे तो अपने पास मान किसके मिलेंगे, x और y के मान अपने को यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है ना। तो x और y के मान निकालने के लिए अपने पास बहुत सारी विधियाँ हैं यहाँ पे, जो आपने पहले पढ़ी होगी, ठीक है ना। तो कौन कौन सी विधियाँ हैं, सबसे पहले तो अपन इसमें लगा सकते हैं वज्र गुणन विधि, इससे इस सवाल को इजीली अपन x y का मान निकाल सकते हैं। दूसरा लगा सकते हैं अपन विलोपन विधि, ठीक है ना। इसके बाद अपन लगा सकते हैं यहाँ पे कौन सी, सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब प्रतिस्थापन विधि। तो अपन तीनों ही विधियों को जब लगाएंगे तो आंसर अपना सेम आएगा, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा अपने पास कि अपन वहाँ पे जाके विधियाँ लगाएं, ठीक है ना, पहली बात। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, सवाल को शॉर्टकट से फटाफट सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं आपको एक विधि मेथड के तहत बता दूँ, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे इसको, मानेंगे आप क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मानेंगे क्या इक्वेशन नंबर सेकंड। तो कैसे करेंगे इसको, इसमें लगाते हैं आप कौन सी विधि, विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि का मतलब होता है कि या तो x के टर्म एक साथ होनी चाहिए, मतलब एक बराबर होना चाहिए, मतलब यदि यहाँ पे 2x आया तो यहाँ पे 2x होना चाहिए, यदि यहाँ पे 3y है तो यहाँ पे 3y होना चाहिए। जब तक x और y दोनों में से एक राशि आपस में बराबर ना हो जाएगी जब तक ये सवाल आपका आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। ये कौन कहती है, विलोपन विधि कहती है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, 2x plus 3y equal to कितना आया 8, यहाँ पे आएगा अपने पास 3x कितने 2y बराबर कितने 7, ठीक है ना। अब मुझे यदि ये कंडीशन करना है, एक्स वाई के मान बराबर लाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो अपनी इक्वेशन नंबर एक है और ये इक्वेशन नंबर कौन सी है, दो, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कि इक्वेशन एक मतलब तो समीकरण एक में, किसमें, समीकरण एक में, समीकरण दो में सबसे पहले क्या लिखा है तीन, समीकरण एक में तीन से गुणा व समीकरण दो में किससे करेंगे, सबसे पहले कौन लिखा है टू, दो से गुणा कर लेगा, इस टाइप से लिखोगे आप गुणा कर ले, ठीक है ना। तो क्या करोगे यहाँ पे, इसमें तो तीन से मल्टीप्लाई करना है, इसमें टू से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या है एग्जाम में सोल्व तो पूरा करना नहीं है, आपको फटाफट अपवर्क में इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे, तीन दूने कितने जाएंगे 6 plus 3 से कितने जाएंगे 9y बराबर 8 से कितने जाएंगे 24। इसी प्रकार यहाँ पे तीन दूने कितने जाएंगे 6 2 दूने कितने जाएंगे 4y और निकल ये हो जाएंगे यहाँ पे 14, ठीक है। अब क्या करने पर यहाँ पे जब सेम कंडीशन मिल जाती है तो अपन लिखते हैं घटाने पर,
मैंने बोला था कि आपको या तो x से x सेम मिलेगा या y y सेम मिलेगा, तो यहाँ पे कौन मिल गया अपने को, x से x सेम मिल रहे हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं घटाने पर, तो घटाने पर करोगे यहाँ पे तो ये निशान किसका जाएगा माइनस का, ये प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस तो क्या होगा माइनस, ये हमेशा याद रखना, यदि यहाँ पे प्लस होता तो आप क्या लगाते माइनस, यदि यहाँ पे प्लस होता तो क्या लगाते माइनस, क्या लगाया, यदि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है तो समझो क्या है प्लस है, तो प्लस की जगह क्या लगाएंगे माइनस, तो ये छः से छः क्या हो गया कैंसिल, अब नौ भाई में से जब दो भाई घटाओगे तो आपके पास कितने बचेंगे प्लस के डॉट वन, या जब चौबीस में से दस घटाओगे तो प्लस के कितने बचेंगे दस, ठीक है ना, चौबीस में से चौदह घटाओ कितने बचेंगे दस, ठीक है, तो भाई की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी दस बटे कितनी होगी सात, ठीक है, अब यहाँ पे कोई कट तो रहा नहीं, ठीक है ना, अब जब नहीं कट रहा है तो अपन क्या करेंगे y के इस मान को समीकरण नंबर एक पर रखें, y का पुटिंग की वैल्यू ऑफ x समीकरण नंबर वन, ठीक है ना, y के इस मान को, समीकरण एक में रखने पर, ठीक है ना, समीकरण जब एक में अपन वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा अपने पास, समीकरण एक है टू एक्स प्लस कितने थ्री y इक्वल टू कितना है एट, ठीक है ना, तो टू एक्स प्लस थ्री इंटू फाइव का मान कितना है सात बटे दस बराबर कितना है आठ, ठीक है, तो टू एक्स प्लस दस के कितने जाएंगे तीस बटे सात बराबर कितना आठ, अब आपको पता है कि ये संख्या जिसके बर्थडे में बैठी है उसको तो गुणा नहीं करना, आई साइड इधर भी करना है इसका इधर भी करना, तो सात दो कितना जाएंगे चौदह एक्स प्लस के तीस बराबर सत्तर कितना जाएंगे, क्लियर, तो यहाँ पे कितना लिखा है चौदह एक्स बराबर ये 56 है, उसको से जब 30 घटाओगे तो कितने बचेंगे 56 माइनस के 30, तो चौदह एक्स बराबर 6 के 6 5 में से 3 गए तो दो 26, तो एक्स बराबर 26 बटे कितने 14, जब एक्स से काटोगे तो ये कटेगा 13 बार, ये कितने बार कटेगा 7 बार, ये आपका हो जाएगा, क्या लिखोगे लास्ट में आपको एक्स के दो वैल्यू देंगे वहाँ पे, एक आपके मान आ जाएगा एक्स का 13/7 और एक वाई का मान आ जाएगा 10/7, ये आपको एग्जाम में डायरेक्टली बस ऑप्शन मिलेगा, लेकिन सोलो अपन इस टाइप से लगा, ठीक है ना, लिखो जल्दी इसको, इसको लिखना हो लिख लो फटाफट, बाकी इंतजार हूँ उसका, ठीक है ना, आप वीडियो खोल के देख सकते हैं डबल दोबारा, ठीक है ना, ये आपको क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब पर प्रोवाइड हो रही है, ठीक है ना, आपको जब भी कुछ प्रॉब्लम आए तो आप वीडियो को डबल रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है ना, जब भी वीडियो देखें थोड़ी सी क्वालिटी कंट्रोल कर लेना, ठीक है ना, कम से कम 240 मेगापिक्सल तो होना ही चाहिए, चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे आया आपके पास अलजेब्रा में कि पांच कुर्सी और आठ मेजों का मूल्य, मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करा दूँ मैं क्वेश्चन, ठीक है, क्या लिखा है पांच मेज प्लस आठ कुर्सियों का मूल्य, पांच मेज और आठ कुर्सियों का मूल्य मुझे यहाँ पे बताया हुआ है 1300, उसके बाद अपने को दिया है यहाँ पे नौ कुर्सी और 16 मेज, नौ यहाँ पे दिया अपने को नौ कुर्सी और 16 मेजों का मूल्य, नौ कुर्सी और 16 मेजों का मूल्य, नौ कुर्सी और 16 मेजों का मूल्य आपको बताया हुआ है यहाँ पे कितना 2500 रुपए, तब आपको बताना है तीन कुर्सी और तीन मेज, ठीक है, मैंने यहाँ पे कुर्सी को के लिख दिया, मेज को एम लिख दिया, आपको समझ में ना आए तो मेज में लिख दी, ठीक है ना, टीम कुर्सी और टीम मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए, मूल्य ज्ञात, ठीक है, अब अपने को क्या है इस इतने बड़े सवाल, अब इसके यदि सवाल में पूरा बोलूं आपको तो क्या समझ में आएगा, सवाल ने बोला है सामने वाले ने कि पांच कुर्सी और आठ मेजों का मूल्य कितना है 1300 रुपये है, फिर बोला है नौ कुर्सी और 16 मेजों का मूल्य कितना 2500 रुपये है, यदि मूल्य आपको दे रखे हैं तो आपको बताना है कि तीन कुर्सी और तीन मेजों का मूल्य कितने रुपए होगा, तो मैं क्या लिखता है यहाँ पे अपन मानते हैं माना कि कुर्सियों का मूल्य या कुर्सी का मूल्य 100 रुपये, कुर्सी का मूल्य 100 रुपये व मेजों का मूल्य, व मेजों का मूल्य क्या है 2500 रुपये, क्या है
वाई, ठीक है ना। तो मैंने क्या मान लिया, कुर्सी को एक समतल है बोला था, पांच मेज आठ कुर्सी, तो मैंने कुर्सी को पहले ले लिया, तो आठ एक कुर्सी हो गई, पांच मेज के तो पांच वाय मेज हो गई, इतने रुपए के थी तो 1300 हो गए, कोई डाउट यहाँ पे, ठीक है ना। फिर क्या लिखते हैं, नौ कुर्सी तो मैंने लिखा नौ एक प्लस 16 मेज, तो मैंने मेज को वाई माना, कितने दिए, तो ठीक है 25। बन गई इक्वेशन, तो ये तो बनी इक्वेशन नंबर पहली, और ये बनी अपनी कौन सी इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। लिख लिया यहाँ तक आपने, लिखो जल्दी इसको आगे करो स्टार्ट इसको, ठीक है। देखो तो इस टाइप से करेंगे अपन, यहाँ पे मैंने बोला था या तो इस टाइप के सवाल करने के लिए मुझे एक्स का मान लीजिए और वाई का मान लीजिए, जब इस प्रकार की कंडीशन करना है तो आपको पता चलना चाहिए कि तो एक्स के मान बराबर होना चाहिए फिर वाई के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे, अपन एक काम करते हैं यहाँ पे पूरी इक्वेशन में वाई के मान बराबर करने के लिए, ये तो कुछ कर नहीं सकते आप, ठीक है ना। तो इसको शॉर्टकट तो होगा नहीं, तो अपन क्या करेंगे, समीकरण एक में तो नौ से समीकरण दो में कितने आठ से गुणा कर दें, ठीक है ना, इस टाइप से कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जब अपन इसमें गुणा करेंगे यहाँ पे तो आठ मेज, ठीक है ना, पांच कुर्सी और आठ मेज, पढ़ लेना थोड़ा सा इसको, पांच कुर्सी और आठ मेज, ठीक है ना। तो अपना यहाँ पे होगा कितना, आठ दूनी 16, तो आठ मेज, तो पांच एक आठ वाई, पांच एक आठ वाई, इन्होंने क्या मान लिया, तो फाइव कुर्सी आठ मेज, ठीक है ना, पांच कुर्सी, पांच कुर्सी और आठ मेज, यानी क्या माना, पांच मेज आठ कुर्सी पांच मेज, तो यहाँ पे पांच आठ कुर्सी आठ मेज का कपड़ा होगा, पाँच कुर्सी आठ मेज बोला जा रहा था, पाँच कुर्सी ले गया आठ मेज, ठीक है ना। तो पाँच कुर्सी है तो कितना मान होगा यहाँ पे, पाँच एक, ठीक है ना। तो ये मतलब थोड़ा सा आगे पीछे होगा यहाँ पे, पाँच एक बोलने का ये बनेगा कितना, ये यहाँ पे बनेगा आपका पाँच कुर्सी पाँच एक प्लस आठ मेज मतलब आठ वाट, ठीक है ना, बराबर कितने हैं, तो ये अपने कितना है 1300, ठीक है। अब मुझे बराबर करने के लिए समीकरण एक दो को इक्वेशन को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यदि यहाँ पे 16 भाई लाना है तो मुझे यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, समीकरण एक में डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ, क्यों बल इतना बड़ा सवाल करें, मैं डायरेक्ट कर सकते हैं कि समीकरण एक में दो से गुणा कर दें, पर समीकरण एक में अपन दो से गुणा करेंगे यहाँ पे जितना बनेगा, पाँच दूनी 10x प्लस आठ दूनी 16 भाई बराबर 13 दूनी 26 मतलब आ जाएंगे 26, क्लियर। ये इक्वेशन वैसी की वैसी, तो आपका कितना जाएगा, 9x प्लस से कितने 16 वाई बराबर कितने जाएंगे 25। क्या करने पर मिल गया आपको वाई का मान, तो क्या देखोगे यहाँ पे घटाने पर, ठीक है ना। तो क्या होता है कभी कभी कुर्सी में पढ़ने में आगे पीछे निकल जाता है, तो एक्स वाई चेंज हो जाएगी, देखना ढंग से, ये माइनस, ये यहाँ पे माइनस, ये यहाँ पे माइनस, तो ये इससे गया यहाँ पे बचेगा कितना एक्स, यहाँ पे 26 में से 25 दिया कितने बचेंगे 100, तो आपका एक्स का मान कितना आ रहा है, एक्स का मान आ रहा है, तो बस कुछ नहीं करना है, एक्स वाई में गुणा करना है, तो आपका आपका है मुझे तीन कुर्सी, तो एक्स का मान तीन है, तो मतलब तीन इंटू कितने 100, तो तीन कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा 300 रुपये, फिर तीन मेज पूछा है तो मेज मतलब तीन वाई, ठीक है ना। अब तीन वाई पूछा तो अपने पास एक्स का मूल्य तो आ गया, वाई का नहीं आया, तो मैं क्या करूँगा एक्स के इस मान को, एक्स के इस मान को, मान को समीकरण किसी में भी रख दो, समीकरण एक में रख दें, जब समीकरण एक में रखेंगे तो मान किसका जाएगा y का जाएगा, और जब y का मान आ जाएगा तो अपन मेज को मूल्य को आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, समीकरण एक क्या बनेगा अपने पास में, पाँच एक्स प्लस के कितने आठ वाई बराबर कितने 13, तो पाँच एक्स का मान कितना है 100 बराबर प्लस के कितने हैं आठ वाई बराबर कितने हैं 13, तो 100 कितने हो जाएंगे 500 प्लस के कितने हैं आठ वाई बराबर कितने हैं 13, ठीक है। तो बेटा तो यहाँ थोड़ा सा देखो क्या लिखोगे, 500 प्लस के कितने हैं आठ वाई बराबर 1300, तो अपने पास आठ वाई मुझे वाई की वैल्यू चाहिए, तो ये 500 प्लस के तरह किसका हो जाएगा माइनस का, तो अपने पास आएगा आठ वाई इक्वल टू 13 में से 5 के कितना बचेंगे 8, तो वाई की वैल्यू भी कितनी आ गई आपके पास, क्लियर। अब ये वाई की वैल्यू सो होगी तो 1300 की, और वाई भी 3 वाई का 3 में ही निकालना, तो 3 वाई मतलब कितना 3 × 300 तो कितना जाएंगे 300, कहने का मतलब 3 कुर्सी और 3 मेजों का मूल्य कितने रुपये होगा 600 रुपये, 300 में 300 आप ऐड कर सकते, ठीक है ना। तो इस टाइप का सवाल है, मैं आपको एक बार रिविजन कर दूँ, एक बार समझा दूँ, ठीक है ना। जरूर यार,
रामलाल ने पूछा था कि पांच तो कुर्सी, मैंने कहा ये मेज लिख दिया था यहाँ पे, पांच कुर्सी और आठ मेज, ठीक है ना, इनका मूल्य कितना है 1300 रुपये। फिर पूछा था कि नौ कुर्सी और 16 मेजों का मूल्य कितना है 2500 रुपये। तो अपन ने क्या लिखा, माना कि कुर्सी तो एक्स मूल्य और मेजों का मूल्य कितना हो गया वाई, तो पांच कुर्सी मतलब पांच एक्स, आठ मेज मतलब आठ वाई, बराबर कितने 1300। फिर पूछा है आठ नौ कुर्सी तो 9x+16 मेजों मतलब 16y बराबर कितने आ रहे 2500, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे अपन यहाँ से कि मुझे यहाँ पे 16 लाना है, यहाँ पे 8 है, बाकी ये कॉम्बिनेशन मिल नहीं पाएगा। तो मैंने क्या करा, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दिया। आप चाहो तो विलोपन विधि भी यहाँ पे लगा सकते थे, ठीक है ना, हो जाएगा। तो जब 2 का गुणा करा तो 5 दोनों कितना हो गए 10x, 2x कितना हो गए 16y और 13 दोनों कितना हो गए 2600। फिर इसी प्रकार यहाँ पे सेम लिखा है तो 9x, 16y, 2500। अब अपन क्या करते हैं, जब समान संख्या अपने को मिल जाती है, एक चर राशि जब कट जाती है तो अपन करते हैं घटाने पर। मैंने जैसे ही घटाने पर करा तो प्लस के क्या हुआ माइनस, प्लस से क्या हुआ माइनस, प्लस का माइनस, तो ये 16 16 कैंसिल, 10x में से 9x घटाया कितना बचेगा 1, 2600 में से 2500 घटाओ तो 200, तो x का मान कितना आ गया 100। अब मुझे x का मान आ गया मतलब मेरे को कुर्सी का पता चल गया है कि भैया कुर्सी की कीमत कितनी है 100 रुपये है, लेकिन मेज का नहीं पता। तो क्या करोगे, इस x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 अपने पास क्या बनी थी 5x+8y=1300, मैंने लिखा 5x+8y=1300। तो 5x का मान को तो कितने हो गए 500+8y=1300। फिर मैं यहाँ पे आया, 100 का जब गुणा 5 में करो कितना आएंगे 500+8y=1300, 8y=1300 माइनस कितने 500, तो 8y=1300 कितना आ गया 800, तो 8 एकम 8, वाई का मान भी कितना आया, तो 3 मेज थी तो वाई का मान जब 100 है तो 100 में 3 का गुणा कर दिया कितना आ गया 300, तो 300 ही तो मेज का मूल्य और 300 ही कुर्सी का मूल्य टोटल जब जोड़ोगे तो आपको पड़ेगी 600 रुपये में 3 कुर्सी और 3 मेज, ठीक है, बता दो इसको। बड़े आगे एक समीकरण अपने पास दी गई समीकरण का मान लिया, दी गई देख रहा सभी को, इक्वेशन आपको दी है यहाँ पे x²-20/5, x²-20/5 बराबर कितना दिया आपको 1 यहाँ पे दिया है, ठीक है। सामने वाले ने अपन से पूछा है क्या x का मान, फाइंड द वैल्यू ऑफ कौन सी x, तो देखो कैसे करेंगे इस सवाल को, मुझे नहीं पता इसके बटे में क्या है, मैंने मन से क्या मान दिया 1, ठीक है, मैं करता हूँ क्या लिखा मैंने x²-20/5 मैंने लिखा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब ये जो 20 है किसका है माइनस का है, बराबर इधर किसका हो जाएगा प्लस का, तो 20+ कितना आ गए 5, तो x²=20/5 जोड़ो तो कितना आएंगे 25, x=, जब इसको हटाओगे क्या लगेगा अंडर रूट, और जब अंडर रूट से स्क्वायर रूट की संख्या बाहर निकलती है तो आंसर आपका कितना आएगा, तो एक्स का दो मान आएंगे यहाँ पे, एक्स का दो मान कैसे, एक तो +5 और एक कौन सा आएगा -5, और ये दोनों की वैल्यू इसकी क्या है, ठीक है, देखो जल्दी इसको अपन आगे बढ़े। रुको रुको चलो करें सर, चलो वापिस अपन क्या करेंगे, टॉपिक का नाम तो अपना चल ही रहा है बेंजली, ठीक है, चलो इसमें अपन करते हैं सवाल क्या, भाग देने वाले, भाग देने वाले सवाल देखो किस टाइप से, जैसे सवाल यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है 6x2+x² + 5x + 3 को 2x + 1 से भाग दीजिए, तो 2x + 1 से आप चलो देखते हैं किस को भाग नहीं याद है, वैसे सभी को याद होगा ये सवाल, ठीक है ना, चलो देखते हैं किस को याद है, मैं बता रहा हूँ क्या करते हैं अपन यहाँ पे 2x + 1 का पूरे के पूरे बहुपद में देते हैं भाग, क्या होता है बहुपद x³+x² + 5x + 4x, ठीक है, जब पूरे में आप यहाँ पे भाग लगाओगे तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे प्रथम पद या पहला पद, प्रथम पद या पहला पद, पहला पद लिखा है यहाँ पे क्या 6x³, लेकिन आपका जो ये
हाँ जी, इसका पहला पद किया अपने पास 2x, ठीक है ना। तो कितनी बार घटेगा, तीन बार, भाग में लाते घटती है, तीन में से घटाओ कितना है x स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना जाएगा आपका 3x स्क्वायर, तो गुणा इसमें करोगे 3 × 6, गुणा में घाते जोड़ती है तो पावर 2 x कितनी हो जाएगी 3, एक्स की पावर प्लस 3x स्क्वायर में जब प्लस उनमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर, क्लियर। ये क्या करने पर भाग में हमेशा क्या करते हैं, अपन घटाते हैं तो क्या लिखेंगे, घटाने पर माइनस, ये गया। फिर यहाँ पे माइनस का कितना जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे पहले संख्या प्लस में थी, प्लस में किसकी प्लस से कितनी होगी, यहाँ पे माइनस में होगी, यहाँ पे तो माइनस 2x स्क्वायर, प्लस से कितना है 5x, प्लस से कितना है 3, निशान किसका जाएगा माइनस का। अब अपन सेकंड पद पे आएंगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पे दूसरा 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 पद क्या अपने पास माइनस का 2x स्क्वायर, बटे में क्या अपने पास यहाँ पे तो 2x स्क्वायर, फिर वापस जाओगे यहीं पे तो कितना जाएगा 2x, माइनस तो वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन यहाँ पे 2 और 2x से x कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो x है डबल तो कितना बचेगा 2x में से 1 बचेगा माइनस x, मैंने लिखा माइनस का 1, माइनस x का गुणा इसमें करा तो कितना जाएंगे माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस x से जब प्लस 1 में करोगे तो माइनस का गुणा आएगा x, ये माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, इससे कैंसिल, 5x में 1 करोगे कितना जाएंगे 6x, प्लस का गुणा जाएगा, यहाँ पे निशान कितना प्लस का, यहाँ पे भी आंख बंद करके क्या लिखते तो प्लस। अब अपन आते हैं तीसरे पद पे, तीसरा पद क्या अपने पास यहाँ पे प्लस 6x, लेकिन भाज्य का पहला पद जो अपने पास 2x, वो दिया कितने जाएंगे 6x, से x क्या होगा कैसे सिंपल ही कितना निकलेगा 3, तो तरीका लिखा यहाँ पे 3, 3 का गुणा जब 2 में करो 3 तो नहीं 6x प्लस 3 में कम कितना जाएंगे 3, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, पूरा कट के बचेगा। तो आपका इस सवाल का जो भाग दिया आपने तो आपका भागफल क्या है, इस सवाल को लिखना अच्छे से हम, ठीक है ना। तो अपने पास भागफल कितना आया है, भागफल को बोलते हैं क्वाड्रेंट, ये कितना आया अपने पास में 3x स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 3, और शेषफल क्या आया अपने पास 0, आपका रिमाइंडर क्या बचा है हमें, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे देखने को, ठीक है ना। तो इस टाइप के सवाल आपको कहीं दिखे तो आप इस टाइप से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे को भाग विधि नहीं याद है, तो कुछ भी नहीं है भाग विधि में, यदि आपको अच्छे से पहाड़ याद है, ठीक है ना, बटे में घटाना संख्या याद है तो आपके लिए सिंपल हो जाएगा, ठीक है। लिख लिया आपने, चलो एक बार क्या बनाएंगे, क्या लिखा है 2x + 1, 2x + 1 को भाग देना 6x + x² + 5x + 3, तो क्या करा मैंने यहाँ पे 2x + 1 लिखा था, या पूरा बहुपद लिख लिया पहली चीज, तो बहुपद किसे कहते हैं, जो मेरा नाम आया मेरे मुंह से निकला बहुपद, बहुपद मतलब क्या, बहुपद अपन उसे कहते हैं कि जहाँ पे या तो x की घात एक बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए, या फिर एक x की घात किस में होना चाहिए, घटते हुए क्रम में होना चाहिए, या दो से अधिक पदों के मेल को बहुपद कहा जाता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे पावर कितनी है 3, देख लेना पावर 1 के 3 है, 3 के बाद 2 है, 2 के बाद 1 है, और आपको पता है चर राशि घात होती है 0, यदि यहाँ पे स्टार्टिंग करोगे तो 0, 1, 2, 3, तो या तो x की घात एक बढ़ते हुए क्रम में मिलना चाहिए, या फिर एक x की घात एक घटते हुए क्रम में मिलना चाहिए, जिस प्रकार की कंडीशन आपको देखने को मिले तो आप उसको बोल सकते हो बहुपद, और ये आपको भाग विधि में देखने को मिलेगी, ठीक है ना। ऐसा कोई सवाल नहीं होगा कि जिसमें घाते घटते बढ़ते क्रम में ना हो, क्लियर। चलो अब अपन 2x + 1 के लिए भाग लगाएंगे 6x² + x² + 5x + 3 में, तो आपको देखना है कि यहाँ पे क्या बेटा 6x³, यहाँ पे कौन है 2x, अब 2 से जब 6 में जाएंगे तो मुझे पता है कि 2 का जब 3 में मैं गुणा जब तक नहीं करूंगा तब तक 6 आ नहीं सकता, तो क्या लिखा मैंने प्रथम पद, पहला पद क्या लिखा 6x³ / 2x, 2 दिया कितने हो गए 6x³ में से जो भाग में आते घटती है, जब पावर 3 में से पावर 1 घटाओगे पावर कितनी बचेगी 2, तो ये जो आया अपने पास भागफल मैंने लिखा यहाँ पे 3x², अब इसका मल्टीप्लाई जब इसमें घड़ा बंद है तो 3 × 6, 1 की पावर 2 और 1 कितनी हो गई 3, फिर 3x का गुणा 1 से करा 3x³, ये प्लस का निशान किसका आया माइनस का, प्लस तो गुणा आया माइनस, ये इससे क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। अब माइनस के 3x प्लस के पहले से किसके हो गए माइनस के, तो माइनस 3x में जो अपने 1x² हटाया तो बचा कितना माइनस का 2x², फिर प्लस के 5x प्लस का गुणा आया 3,
अब यहाँ पे क्या करा मैंने, निशान किसका था माइनस का, तो दूसरा पद जब लिखा तो स्टार्टिंग में क्या लगाया माइनस ओपन बेटा 2x² या 2x², लेकिन अपने पास तो भाग का पहला पद कौन है 2x, मैंने क्या लिखा यहाँ पे 2x, जब 2x का 2x² से डिवाइड करा तो माइनस कौन आया x, इस माइनस x को मैंने माना भाग पर, ठीक है। फिर इस माइनस x को जब 2x में करोगे तो कितना आएगा माइनस 2x² जो कि पावर 1 और 1 इक्वल हो जाएगी 1 की 2, फिर माइनस x का गुणा प्लस 1 में करोगे तो माइनस से गुणा आएगा 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा माइनस, प्लस 2 क्या हो जाएगा माइनस, ये से गया 5 और एक से कितने हो गए 6 प्लस का गुणा है 3। अब मैंने देखा कि यहाँ पे निशान क्या है प्लस, तो सबसे पहली फुर्सत में क्या लगा दिया यहाँ पे प्लस, फिर आपको देखना है कि 6 से लेकिन भाज्य में कौन है 2x से, तो क्या करोगे तीसरे पद में 6 से बैठे जब 2x से लिखोगे तो 1 से तो 1 तो कट जाएगा लेकिन 2 से 6 कितनी बार कटेगा 3 बार, वो 3 का लिख दिया मैंने यहाँ पे 3। फिर इस 3 का गुणा 2x में करा 3 तो कितना आएगा 6 से 3 का गुणा 1 में करा 3 एकम 3, जब मैंने देखा यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, पूरा कट के क्या है 0। ये होती है आपकी कौन सी विधि, भाग विधि, डिवाइड मेथड, ठीक है ना। तो लिखा मैंने लास्ट में क्या भाग पद अपने पास आया 3x² माइनस x प्लस 3 और शेषफल क्या है अपने पास 0 आया। ये अपन ने बीजगणित के सारे सवाल इस टाइप से करे हैं, ठीक है ना। कल से अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू, बाय बाय।